नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ लेटेस्ट न्यूज अपडेट में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। बिलासपुर में चलती स्कूटी पर कपल का रोमांस, देर रात 2 बजे एक दूसरे को गले लगाकर घूमते रहे, 8,800 रुपये का चलान कटा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में एक कपल ने हद पार कर दी। ये कपल लैला मजनू बनकर यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। दोनों बाहों में बाहें डालकर सरेहम घूम रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे एक युवक स्कूटी ड्राइव कर रहा है, वहीं लड़की हैंडल की तरफ पीठ करके गोद में बैठी हुई नजर आ रही है। इन दोनों कपल की आशिकी इस लेवल पर पहुंच गई कि इन्हें एक्सीडेंट होने का डर भी नहीं लग रहा। अहम बात यह है कि दोनों ने हेलमेट भी नहीं पहन रखा, जिसकी वजह से ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8,800 रुपए का जुर्माना लगा दिया है। जानकारी के मुताबिक वायरल वीडियो में दिखाई दे रही स्कूटी का नंबर CG28K4059 है। यह मामला 26 अप्रैल की रात 2 बजे का है। ट्रैफिक DSP संजय कुमार साहू ने कहा, गुरुवार को सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो मिला जिसमें सिविल लाइन क्षेत्र में युवक और युवती स्कूटी में बैठकर इमलीपारा रोड में रोमांस करते नजर आ रहे थे। वीडियो वायरल होने के बाद तत्काल पुलिस ने गाड़ी नंबर के जरिए युवक को ट्रेस किया। पहले गाड़ी मालिक की जानकारी जुटाकर उसे थाने बुलाया गया, तब पता चला कि गाड़ी को उसका दोस्त चला रहा था। स्कूटी मालिक से पूछताछ करने के बाद उसके दोस्त को बुलाया गया। पूछताछ में पता चला हर्ष तिवारी पिता राजेश तिवारी 19 वर्ष कवर्धा का रहने वाला है और टिकरापारा में किराए के मकान में रहता है। वो कॉलेज स्टूडेंट है। पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की है। राजधानी रायपुर में 8 अप्रैल को एक कपल का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें दो दोस्तों के बीच में एक लड़की बैठी हुई थी, यानी एक स्कूटी में 3 लोग सवार थे। पीछे बैठा युवक एक युवती को आपत्तिजनक हालत में गोद में बिठाया हुआ था और आगे वाला स्कूटी चला रहा था। जनता सरेआम सड़क पर दोनों को अश्लीलता करते हुए देख रही थी। हालांकि पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 12,500 रुपए का जुर्माना लगाया था। वहीं कुछ वक्त पहले दुर्ग शहर में भी इसी तरह का मामला सामने आया था। उस वक्त भी पुलिस ने कपल को हिदायत दी थी इस तरह से नियमों का उल्लंघन न करें।